एनसीएल इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए सर, एआरआई बनती है एनसीएल आईएनडी। सर मैंने इसके ऊपर एक बैंक कॉल एक रिकमेंड किया हुआ है सर ऑलरेडी, एंड डिस्क्लेमर तभी भी था अभी भी है, एनसीएल इंडिया ये डेफिनेटली बैंक कैंडिडेट है, बाय करके चलिए इसको। और मेरा टारगेट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 260 280 के टारगेट है, यहाँ से आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 165 का और ले लीजिए, ये स्टॉक में डेफिनेटली अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और हर एक के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक रहना चाहिए सर। अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, ब्रेकआउट्स भी अच्छे खासे देता है, मोमेंटम वाला स्टॉक है और जब भी मोमेंट आती है अच्छी खासी मोमेंट आती है सर, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग करके रहना चाहिए, पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर होनी चाहिए। तो ये है एनसीएल इंडिया पे।